हेलो जी, कैसे हो सब? आशा भाई सब बढ़िया होंगे। तो भाई टाइम हो गया 5:30 का, तो भाई आज का व्लॉग शुरू कर दिया है। और भाई देखियो कंटिन्यू से गए हैं ट्यूशन पे, आने वाले हैं 4 बजे जावा में और 5:30 बजे आला हैं, तो भी आने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर मैं पीस रही हूँ ये साबुत धनिया हुआ है ना, जो सूखा धनिया बोला है जिसने साबुत। तो भाई मम समान में इकट्ठा ही लिया हुआ है और घर आएगा फिर इसने मैं पीस का ही ना फिर रख लूँगा हल्का डब्बे में। तो फिर 2 दिन हो गए, ख़त्म हो गया था तो फिर टाइम नहीं लग रहा था पीसने का, तो मैं खाला पीस ली उसने धनिया ना। और ये भी इसना पीसने के बाद फिर मैं इसना डब्बे में गाल कर रख दूँगी। तो इकट्ठा ही लिया हुआ है और फिर मैं इसना घर आया का पीस ली हूँ इकट्ठा ही पीस का और डब्बे में गाल कर रख दी हूँ। तो अब मैं देख रही थी सही पीस रहा का ना, तो जो यू एन बारीक बढ़िया पीस गया था। और ये भी इसना मैं फिर थोड़ी देर रख दूँगी, ये ठंडा हो जाएगा। एक बार तो मैंने फिर यूँ ढक्का रख दिया था, फिर मैंने सोचा मैं खाने ढकने के बाद जिस तरह हम पीसा नहीं तो यूँ गर्म हो जाए, तो गर्म फिर एकदम डब्बे में गाल लेंगे तो ख़राब हो जाएगी, गिड़े से हो जाए उसमें। तो फिर मैं पहला ठंडा हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं डब्बे में गाल का फिर धरूँगी। और यहाँ पर मैंने रख दी थी दाल बनने के लिए और दूसरे पतीले में मैंने रख दिया था पानी चावल का। तो फिर यहाँ पर मैं दाल बना रही हूँ मूँग मसरी और चने की, तो मखा एक साथ दोनों हो जाएंगे और पानी उबल गया था और अब मैं इसमें दाल डाल दूंगी। तो भाई जब भी मैं दाल बनाऊँ ना ये जितने भी झाग से आ जाए, एक बार उफान आवा है ना इसमें नीरे झाग से हो जाए दाल में, यदि मम कोई भी दाल बना लो चाहे चने उड़द की हो या किसी भी चीज़ की हो, तो ये सारे झाग से उतार कर उसके बाद फिर मैं इसमें घेर हूँ नून मिर्च। और मिर्च तो घेर दी नहीं हूँ मैं, इसमें सिर्फ नमक और हल्दी घेर कर फिर उबाला करूँ और उसके बाद फिर मैं तड़के में मिर्च मार्च घेर कर फिर इसमें छोंकया करूँ। तो इस टाइम पर फिर मैं ये भी इसमें घेर दूँगी नमक और हल्दी, सिर्फ ये 2 चीज़ ही घेर कर इसने ढक का फिर मैं उबलने के लिए यानी बनने के लिए रख दूंगी। तो भाई पानी उबल गया है और अब मैं निकाल लूँगी चावल बनने के लिए, और सिर्फ हम 1 ही गिलास चावल का बनावा है। और ये भी इसमें मैं देख लूँगी छांट लूँगी इसमें मड़ा दुड़ा कुछ होगा तो कबाड़ा, या वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, साफ चावल पड़े हैं ये। और जो चावल हैं वो मम इकट्ठे लिया हुआ है, तो पहला तो उन्हें है हमारा जो बुढ़ा है इसका दादा, वो चावल दे दिया कर था, इबकी साल दिए को नहीं उसने, तो इबकी बार फिर मम ने मोली लियाने पड़ रहे हैं। तो इस करके फिर बस जो मोलिया वहाँ नहीं साफ पड़े रहा और जो घर कटवावा है उन मतो रहा जावा कबाड़ा सा। तो भाई चटने पड़ा फिर बढ़िया, देखो बढ़िया कना बढ़िया है। और आज तो एन बढ़िया धूप निकल रही है, कई दिनों के बाद एन चौंधा निकलिया है, एन बढ़िया धूप और दलिया बन गया है, एन जोर किया हुआ चल रही है। और फिर हवा में आग भी नहीं बढ़ती है, ये देखो कति एकदम बुझ जाए सारी की सारी आग, बढ़ती नहीं इतनी अंजोर की हवा चल रही है। क्यों रहा धरू राजी हो रहा भाई धरू, तो राजी हो रहा भाई धरू, ये तो टीवी भी देखा या तो धरू देखा। तो भाई दाल और चावल बन गए हैं, सिर्फ दाल में तड़का लगाना बाकी है और तड़के की मैं कर रही हूँ तैयारी। और यहाँ पर मैं तड़के के लिए प्याज टमाटर और ये धनिया काट लूँगी, धनिया तो चल लूँ है नुई घेरा कर मम दो का इसने, सिर्फ तड़के में घेरा कर दे फिर जो धनी खुशबू है नहीं वाह रंधी को नहीं धनिया मजा तड़के में घेर दें तो फिर मम सीधा ऐसे घेर दें गरम गरम दाल में एन बढ़िया खुशबू हो जाए दाल की। और फिर प्राची का डैडी आ गया है और वो कर रहा है तोल, और यू नहीं फ़ोन ले आया है प्राची के दादा का, उसका इसके दादा का नहीं फ़ोन, वो खेत में जा रहा था और पानी में गिर गया ऊपर ली गोजी में रखा जाओ और उसका पानी में गिर गया था फ़ोन। तो ये उसका नया फ़ोन लिया है, तो कई दिन हो गए इसका फ़ोन बंद था, तो वो कुछ काम पड़ा तो फ़ोन फान करा तो फिर उसका फ़ोन बंद पड़ा था, तो फिर आज यू नया फ़ोन ले आया है इसके दादा खातर। और ये छोटा फ़ोन है, वो छोटा ही फ़ोन रखा है, बड़ा फ़ोन को नहीं रखता, सिर्फ उसने फ़ोन करना है और सुनना है बस, वो जहीं तक फ़ोन रखा है वो, पहला तो फ़ोन भी नहीं रखा करता। फिर जिसका सानू है ना इसकी बुआ का छोरा सानू, उसने उसने गिफ्ट कराया था उसके जन्मदिन पर, और उसके बाद फिर उसने आदत पड़ गई फ़ोन रखने की, उसके बाद फ़ोन बैरी वका कर नहीं, जिसने एक बार आदत पड़ जाए फ़ोन रखने की फिर को नहीं रह जाता फ़ोन वगैरह, तो इस खातर फिर ये फ़ोन मंगवाया उसने। तो यू बीज लाया है और ऊपर बीज लगावेंगे
तो ये मचालू फटाफट तैयू तोड़ता रहा है, रैक तड़कूंगी फिर दाल ना। भाई खा लो जामुन सारे के सारे, काली काली तो है नहीं है, है? कद काली भाई जामुन खा लो काली काली। पीयूष ले आया है, पीयूष मैं खा लो जामुन किंगत ले आयो, किंगत ले आ रे किंगत ले आ मोटी तो आंख होगी और क्या होएगा है भाई, तो खत्म वाली है मेरे तो काट के दी है, तो ना सारे को ना गिर गए कांकड़े से। तो भाई शाम के 8 बज गए हैं और मैं उरा कर रही हूँ, दूध खड़ी हुई और रोटी टुक्का सारा निमट गया है, सब ना खा लिया। इसके डैडी रह रहा है, वो जा रहा है शहर, इसके ताऊ तक फोन दुआन, उसका फोन टूट गया है तो उसने फोन दुआन जा रहा है और 8:30 का टाइम हो गया है, अभी तक नहीं आया, सिर्फ वो रह रहा है रोटी खाई। और मैंने सारा काम और तो फिनिश कर दिया है, सिर्फ दूध का काम रह रहा है, बच्चों तो देना दूध गर्म करके मीठा करके, और इसका डैडी आएगा उस तरह रोटी देनी रह रही है, और रसोई की सफाई कर दी है, उफान और दे दी इसमें आ गया ए बंद कर दी। तो भाई और बर्तन भी सब मांज दिए हैं, सिर्फ रह गई रोटी देनी, इसका डैडी पता नहीं किस टाइम आएगा, वो किस टाइम नहीं आएगा। लो भाई यू आ गया है और 9 बज गए हैं, 9 बजे आया केक के लिया शॉपिंग करके, नू किस त्रिया गिर रहा तो इन्ना बगान ला गिर रहा है, दिखाइए के लिया आया है, कैड कद दिखा क्या कि शॉपिंग कर रही है तन्ना, ये देखो वही के लिया खरीद का जूते की शॉपिंग कर लिया, ये जूते नूंगा कर दे, फोटो सा ले लियो इसका रुक जा। ये देखो वही दो जोड़े की शॉपिंग, अपने आप तो शॉपिंग कर ली, किसके लिया तू ये दोनों जोड़ी है आज तो फिर मैदान मार लिया इधर। ये देखो भाई ले शॉपिंग करके इतनी वारी रात ना, अर्थर पर थी तो दो जोड़ी और जूतिया की कड़े टूट रहे हैं, नए पड़े हैं, चलो लिया आया बेचारा, कदी लिया भी नहीं अपने खातर कुछ। देख ले भाई आप अपने खातर शॉपिंग करके ले आया, हमारे खातर कुछ भी नहीं ले आया, मेरे खतर कुछ भी ना ले आया, मेरे बलमा मेरे ले रोटी दे थोड़ी सी, वो डंगर मच्छर खा रहे हो ना, निकल यार 13,500 का कौन सा ले आया यार, वीवो का ले आया, वीवो 21 बढ़िया है, कैमरा कैसा है उसका, बढ़िया, चलो ठीक, चलो जला चिंता मैंने पहला अब रोटी गाल के दे दियो इसने, हैं देव तो नहीं ले आएगा। तो भाई वीडियो यही लगी है और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भाई याद करके, और वीडियो ने लाइक कर दिया हो, शेयर भी कर दिया करो।